देखिए, ऐसे तो मैंने जिस दिन पहले दिन पदभार ग्रहण किया था, उस दिन के बाद कंटिन्यू मैं ही हूँ। और लेकिन ये है कि आप सब लोगों से मुलाकात हो जाती है, सब पार्षदों से वापस एक साथ मुलाकात हो जाती है, खुशी दुगनी हो जाती है, इसलिए तीन तीन बार पदभार ग्रहण करना पड़ा। लेकिन इस कठिनाई के समय में आप सब लोग मेरे साथ रहे, जयपुर वासी मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझ पर अथाह विश्वास और प्यार जताया और मुझे इतनी दुआएं दी। मैं ये कहूंगी ये जीत जयपुर की जीत है, मेरे वार्ड की जीत है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, मेरे जो पार्षद है जो मेरे साथ खड़े हुए थे उनकी जीत है और ये जीत उन्हीं को समर्पित है। मैं तो ये कहूंगी मैं सत्य के रास्ते पे चल रही थी। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं, और सच्चाई की जीत हुई है। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास था, ईश्वर पे मेरी आस्था थी और यही कहूंगी सत्यमेव जयते। अभी भी जो आप लोग के खिलाफ जो न्यायिक जांच की बात की जा रही है कि न्यायिक जांच दोबारा से हो, नए सिरे से हो, तो क्या उसमें क्लीन चिट निकल करके आएंगे? निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि अभी तक जिस तरीके से चला है आप देखिए, बाकी न्यायपालिका में पेंडिंग है, इस पे ज़्यादा कहा ना जाए तो बेहतर होगा। जो चीज़ होगी वो आपके सामने निकल कर आएगी और सब साफ हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पे, जो भी डिसीजन होगा उनका मुझे पूरी उम्मीद है क्लीन चिट होकर निकलेंगे, लेकिन न्यायपालिका का जो भी डिसीजन होगा वो मेरे सर्वमान्य है। निगम के बाहर सरकार बदल चुकी है, तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नई सरकार बनी है, मैं बधाई देती हूँ। जीतने वाला हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, हमारी जो कमियाँ हैं उन पे हम आकलन करेंगे और हमारा बहुमत है निगम में और निश्चित तौर पर चाहे समय कठिनाइयों भरा हो कैसा भी हो, हमने जयपुर की सेवा में कहीं कमी नहीं छोड़ी। आगे भी हमारा यही काम होगा कि हम जयपुर की सेवा करें। हमारे धर्म और कर्म सिर्फ जयपुर की सेवा करना है और मैं मानती हूँ जहाँ सेवा का भाव आ जाता है वहाँ कोई भी रास्ते कठिन नहीं होते। जिस बहुमत की आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ पार्षद जो है उन्होंने दूसरी नाव पकड़ ली है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ गया है, कोई बीजेपी से जुड़ गया है। देखिए, जो आम आदमी से जुड़े उन्होंने वापस समर्थन दे दिया है तो वो तो MLAs में ही हो गया था। बाकी एक हमारे पास बीजेपी से बहुमत, कांग्रेस में आए, एक बीजेपी से कांग्रेस बीजेपी में से आए। कांग्रेस में भी आए हैं, बहुमत हमारे पास काफ़ी है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा बहुत अच्छा निगम चलेगा, बहुत अच्छा काम। मैंने कहा जहाँ सेवा का भाव आ जाता है वहाँ ईश्वर अपने आप रास्ते खोलता है। 3 साल हो गए एक बोर्ड बैठक। बोर्ड बैठक भी कराई जाएंगी, काम भी कराए जाएंगे। मैं ये कह सकती हूँ मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में जयपुर की सेवा की है, आप सब लोग उसके साक्षी बने हैं और ये जो 3-4 महीने का पीरियड रहा है इसके भी साक्षी आप बने हैं। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं जयपुर की जनता की सेवा करूं, जयपुर के हित में काम करूं और आगे भी मैं अपने इसी नियम और धर्म से चलूंगी कि मैं जयपुर की सेवा करूं। 4 में से 2 विधायक बदल हो गए, चेहरा बदल चुका है उनका और पार्टी भी बदल चुकी है, उसका कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पर? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैंने कहा जहाँ पर कर्म और सेवा का भाव आ जाता है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कतें आती। हमारा भाव निश्चित तौर पर सिर्फ जयपुर की सेवा करने का है और हम सेवा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर पे, ईश्वर रास्ते बनाता चलेगा और हम सही रास्ते पे चलते चलेंगे।